वेलकम टू माय चैनल, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर मैं अपने लेसन में ये इस बात की चर्चा जरूर करता हूँ कि 10 थॉट, जो म्यूजिक का 10 थॉट है, उसको बेस करके अपने रियाज को आगे बढ़ाएं, अपने संगीत के सफर में आगे बढ़ें, बेस में 10 थॉट को रखें। मैंने भैरव थॉट के ऊपर आधारित बहुत सारे लेसन दिया है, जो लेसन मैं ऑलरेडी दे रखा हूँ। 4 ऐसे लेसन मैंने ऑलरेडी बना के दिया है आप लोगों को, उसी 4 लेसन को मैं फिर से दिखा रहा हूँ। ये 4 लेसन की खूबसूरती है, पूरा वीडियो देखिएगा, चारों का चारों भैरव थॉट से रिलेटेड है, लेकिन खूबसूरती ये है कि चारों अलग अलग ताल में है, स्वर वही रहना है, स्केल नोट वही रहना है। भैरव थॉट से अहि भैरव में भी जाएंगे हम लोग, इसमें जागो मोहन प्यारे का एग्जाम्पल दिखाएंगे जो कहरवा ताल में है रिदम के साथ। उसके बाद दादरा में गजल है चंदन दास जी की, कभी तो आसमां से चांद उतरे, दादरा में है, उसका एग्जाम्पल देखना है। अलबेला सजन आयोरे कहरवा में है, लेकिन हम लोग 3 ताल में भी देखेंगे। कई बार मैंने चर्चा किया है कहरवा और 3 ताल, ये दोनों एक दूसरे का रिदम के मामले में आप ऑप्शन में रख सकते हैं, तो 3 ताल में हम लोग वो देखेंगे। और सबसे खूबसूरत चीज रूपक ताल में हम लोग देखेंगे राम का गुणगान करेंगे। थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल ये सिर्फ, या चारों का चारों लेसन डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, चारों विधिवत लेसन दिया हुआ है। ये करने से क्या होगा कि अलग अलग रिदम में गाने का एक्सपीरियंस होगा, सेम स्केल के ऊपर पकड़ बनेगा, तो ये जरूरी है। आइए सबसे पहले लता जी का गाया हुआ जागो मोहन प्यार। बहुत बढ़िया गाती है, रियाज करती है। मन का अंधेरा जाए, मन का अंधेरा जाए, किरणों की रानी गाए, किरणों की रानी गाए, जागो हे कहरवा ताल में। थोड़ा सा स्थाई अंतरा एग्जांपल दिखाता हूँ, टोटल भैरव थॉट से रिलेटेड चीज देखना है, अलग अलग 4 तालों में 4 अलग अलग चीज। You'll be too
जिसका लेशन विधिवत बना के दिया हो। कभी तो आसमान से चांद उतरे और उसके बाद दो और क्लासिकल चीज एग्जाम्पल देखना है, ताल अलग अलग है, रिदम के साथ एग्जाम्पल के साथ मैं दिखाता हूँ। ये जो गजल है चंदन दास जी की, इसमें भैरव थाट को लेके इतना बढ़िया आलाप किया गया है शुरू में, मैं थोड़ा सा गुनगुनाता हूँ, लेशन भी बना हुआ है, लिंक भी रहेगा। Yeah.
कन्वर्ट हो सकता है लैक म्यूजिक में। एक अंतिम एग्जांपल देख लीजिए, और ये सारा चारों का चारों लेसन विधिवत नोटेशन के साथ बना के दिया हुआ हूँ, निश्चित रूप से प्रैक्टिस करना चाहिए। अंत में रूपक था था। अलग अलग लेसन मैंने बना के दिया है, लेकिन ये खास बात ये थी कि चार अलग अलग ताल में ये चारों एक ही थाट के अंदर, इससे क्या होगा कि ताल मजबूत होगा, स्केल नोट में आपका पकड़ बनेगा। पूरा प्रैक्टिस करिए, डिस्क्रिप्शन में हर एक ये चारों लेसन का लिंक बाय नोटेशन आपको मिल जाएगा, ताल भी समझाया हुआ है, जरूर देखिए। आगे बढ़ते रहिए, कमेंट